और पन्ना से भी अहम खबर, जहां भाजपा प्रत्याशी बीडी शर्मा आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पन्ना के छत्रसाल स्टेडियम में चुनावी सभा होगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इसमें शामिल रहेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह भी आज शामिल होंगे। तो खजुराहो पन्ना सीट से भाजपा प्रत्याशी बीडी शर्मा आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे, फॉर्म भरने के लिए पहुंचेंगे। फॉर्म दाखिल करने से पहले जुगल किशोर मंदिर भी वो पहुंचे, उन्होंने पूजा अर्चना भी की और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ ब्यूरो हेड भोपाल से अनुराग मालवीय जुड़ गए हैं। अनुराग, क्या तस्वीरें, क्योंकि इसके पहले बीडी शर्मा जुगल किशोर मंदिर भी पहुंचे, उन्होंने आशीर्वाद ग्रहण किया और अब बस कितने मिनट बाद पहुंचेंगे अपना नामांकन दाखिल करने के लिए, कौन कौन मौजूद रहेगा? देखिए, बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा नामांकन दाखिल करने वाले हैं। आज काफी बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभी इस समय हम बताएं तो जो छत्रसाल स्टेडियम है पन्ना का, वहां से नामांकन रैली शुरू होगी। थोड़ी देर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव वहां पहुंचेंगे। सिर्फ डॉक्टर मोहन यादव नहीं पहुंचेंगे, स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री वो पहुंचेंगी, महेंद्र यादव जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं वो पहुंचने वाले हैं। और इस तरह से अगर हम देखें तो सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 50 से 60 हजार के तकरीबन जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और स्थानीय नेता यहां पर पहुंच चुके हैं। तो एक बड़ा आयोजन यहां पर किया जा रहा है। बीडी शर्मा तो वो यहां पहुंच चुके हैं कार्यक्रम स्थल पे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो रवाना होंगे जो हेलीपैड बनाया गया है बाईपास पे, जहां पर थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पहुंचने वाले हैं। तो तैयारियां पूरी हैं और एक नामांकन, क्योंकि जो एक पूरी प्रक्रिया होती है नामांकन फॉर्म जांच की और सबकी, वो पूरी की पूरी जो औपचारिकताएं हैं वो बीडी शर्मा ने पूरी कर ली हैं और अब नामांकन रैली के जरिए जो है वो पूरा की पूरा काफिला छत्रसाल स्टेडियम से कलेक्ट्रेट की तरफ रवाना होगा, जब सीएम मोहन यादव और स्मृति ईरानी पन्ना पहुंच जाएंगे। जी तो बिल्कुल अनुराग, हमें बता रहे हैं कि किस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी जब बीडी शर्मा अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। और ये भी कहते हुए बीडी शर्मा नजर आए कि जीत का इतिहास रचेंगे खजुराहो से, 400 के संकल्प में खजुराहो सीट भी शामिल है। बिल्कुल निश्चित रूप से अगर हम इस तरह से देखें तो कहीं ना कहीं इस बार जो बड़ा कंपटीशन है जो भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेताओं में, वो बड़ी जीत के अंतर का है। एक तरफ से विदिशा से शिवराज सिंह चौहान है तो दूसरी तरफ से खजुराहो से बीडी शर्मा है और ये दोनों ही नेता इतिहास रचने का दावा कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि कौन ज्यादा मतों से जीतता है इन दोनों ही नेताओं में, लेकिन इनको बड़ा विश्वास है कि 5 लाख से ज्यादा वोटों से ही ये जीत हासिल करेंगे, जिस तरह से बीडी शर्मा का ये बयान आया है। तो बिल्कुल, बयानों की तो अब बौछार चलती रही कि देखना होगा क्या कुछ होता है। अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए।